जिसे कहते हैं वक्त से आगे की सोच। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी एक साल दूर है, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अनौपचारिक तौर पर शुरू कर दिया है मिशन 2022 का शंखनाद। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र भगवान शंकर की नगरी वाराणसी के दो दिवसीय दौरे को नड्डा की इन्हीं कोशिशों से जोड़कर देखा जा रहा है। कोई काशी आए और बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी ना लगाए ये तो मुश्किल है। ये तस्वीरें देखिए, बाबा के दरबार में दंडवत है नड्डा। बाबा भोले का दूध से अभिषेक, बेलपत्र और फूलों का अर्पण, शिव भक्त की तरह पूरे मनोयोग से पूजा करते जेपी नड्डा। पूजा पूरी हुई तो आरती में भी वो शामिल हुए। कहते हैं बाबा विश्वनाथ की पूजा काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव की पूजा के बगैर पूर्ण नहीं होती, लिहाजा विश्वनाथ मंदिर से नड्डा सीधे काल भैरव के दरबार में गए। जब भी काल भैरव काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने आता हूं, तो साथ ही साथ काल भैरव जी के भी दर्शन करके आशीर्वाद लेता हूं। इस बार भी मुझे ये सौभाग्य मिला और मुझे आशीर्वाद काल भैरव जी का और पहले काशी विश्वनाथ जी का मिला है, जो मैं आशीर्वाद संजोकर सभी कार्यकर्ताओं के साथ, करोड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भारत की सेवा में और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो नीतियां चल रही हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। काल भैरव के दरबार में आए और मंदिर के बाहर कचौरी जलेबी ना खाएं तो वाराणसी आना आपका अधूरा हो जाता है। यहाँ की कचौरी को लोग काल भैरव के प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, लिहाजा नड्डा ने दलबल के साथ कचौरी का लुत्फ उठाया और कुल्हड़ वाली चाय का भी आनंद लिया। काल भैरव जी के दर्शन के पश्चात और आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ एक रस्म है कि प्रसाद के रूप में यहाँ की कचौड़ी लेते हैं, तो मुझे यहाँ वो भी लेने का सौभाग्य हमारे कार्यकर्ताओं ने दिया है। आनंद भी आया है और बनारस की जो रीति नीति और संस्कृति है उसमें मुझे समावेश करने का मौका। प्रियंका वाड्रा को छोड़कर यूपी में विपक्ष की तरफ से कोई नेता एक्शन में नजर नहीं आता है। ऐसे में बीजेपी की तैयारी बताती है क्यों एक के बाद एक चुनाव में वो फतह हासिल करती जा रही है।